भागवत की किताब की हमारे अध्ययन को समाप्त करते हुए उसके सारांश को भी हम जिस प्रकार से दोहरा कर उसे भी समापन करते हुए आज हम निर्गमन की पुस्तक में प्रवेश करते हैं। निर्गमन की पुस्तक की घटनाओं को जब देखते हैं, दो प्रदेशों में जगा लेते हैं, सर्वप्रथम मिस्र देश में, वहां से फिर हम ध्यान से होते हुए कनान की राह में सिनाई पर्वत तक पहुंचते हैं। सिनाई पर्वत से आगे जब जाते हैं हम दूसरे ग्रंथ में प्रवेश करते हैं, लेकिन निर्गमन के इस ग्रंथ में हम परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को देखते हैं। परमेश्वर ने जिस प्रकार के आशीर्वाद आरंभ दिए हैं वे आशीर्वाद अभी उनके जीवन में फलवंत होता हुआ इसराइली प्रजा किस प्रकार से परमेश्वर के सच्चे आशीर्वादों को प्राप्त करते हैं और उनके कारण से न केवल मिस्र के राजा परंतु सारी प्रजा को डर लगती है। निर्गमन की पुस्तक में घटनाएं दो भाग में लेते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर के भक्तों का आशीर्वाद मिलती है। इन आशीर्वादों को देखकर किसी और को डर लग जाता है। वे कोई और नहीं है, मिस्री लोग हैं और मिस्र के राजा फिरौन हैं। एक आशीर्वादों के साथ में आगे तरक्की की ओर चलता है तो दूसरा उन्हीं आशीर्वादों को देखकर भयभीत हो जाता है और अपने डर के कारण न जाने किस प्रकार के जुल्म और अत्याचार इनके ऊपर लेकर आते हैं। इन्हें सताने लगते हैं, इन्हें परेशान करने लगते हैं, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं होती है। अंत हम इस प्रकार से देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य और बलवान हाथ इनके संग रहती है और परमेश्वर इन्हें वहां से छुड़ाकर प्रतिज्ञा किया हुआ उस कनान देश में लेकर जाते हैं। निर्गमन की पुस्तक की हमारी इस अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले सर्वप्रथम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। उनके आशीर्वादों को, उनके बरकतों को, उनके अभिषेक और उनके अगुवाई को प्राप्त करते हुए हमारे इस नए श्रृंखला में, नए ग्रंथ में, इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आइए अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ में सारे आरंभों को दिखाते हुए वहां से अपने संतानों को कई सदियों तक आशीर्वाद देकर और हर प्रकार की विपत्तियों से बचाते हुए कई दशाओं में आप ले जाकर उन सबों को आज मिस्र देश में पहुंचाते हैं। मिस्र में उनके विरोध में जो सतावट हो रही है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रही है आपसे देखा नहीं गया, इसलिए स्वर्ग से धरती के ऊपर देखते हुए इसराइल का कराहना और उनके शब्दों को सुनकर, उनके रोने की, उनके मन्नतों की, उनके पुकारों की आवाज़ सुनकर, मिस्र की गुलामी में से उन्हें छुड़ाकर उन्हें स्वतंत्र करते हुए प्रतिज्ञा की उस भूमि में ले जाने के लिए अपनी योजना और प्रणाली को आरंभ करते हुए मनुष्य के बीच में आकर उसे प्रेम का हमारे बीच में प्रकट करने वाले अनुग्रहकारी, दयालु और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी आदर सम्मान और महिमा करते हैं, गौरव करते हैं। हमारे वर्तमान के जीवन में जो आशीर्वाद आपने हम तक पहुँचाए हैं, सारे आशीर्वादों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के भविष्य प्रभु जी आप ही के हाथों में सुनहरे हैं, प्रभु जी सुरक्षित हैं। हम विश्वास करते हुए हमारे अध्ययन में जिस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक के लिए और अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संग रहिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौरव आदर सम्मान स्वयं प्राप्त करें। हमारी हर एक विनती को सुनकर अपने द्युत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन में और हम सभी को परमेश्वर की ओर से सौभाग्य के रूप में दान मिला हुआ इस नए दिन में आप सभी को स्वागत करते हैं। अहम से मिलकर प्रार्थना पूर्वक खुदा उनके वचनों का अध्ययन करने के लिए निर्गमन की किताब उसके पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसके पहले वचन से लेकर पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे लेकर चलते हैं। इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे वे ये हैं, अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकार, जबलून, बिन्यामिन, दान, नफ्तली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए हैं वे सब 70 प्राणी थे और यूसुफ और उसके भाई और उसकी पीढ़ी के सब लोग मर मिटे और इसराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। आठवां वचन में मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर आ बैठ गया जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इसराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फलते चले गए, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तभी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के बांति बांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला।
जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वह कठोरता का व्यवहार करते थे। कनान देश से अकाल से बचने के लिए मिस्र देश में प्रवेश किए हुए याकूब और उनके सारे घराने, उनके सारे संतान कुल मिलाकर 70 लोग थे। यूसुफ तो उनसे पहले से ही मिस्र देश में आ गए थे और वहीं पर बस गए थे। वहीं पर उनका विवाह हो गया था। उनके दो बेटे इब्राहिम और मनुष्य पैदा होते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ के अंतिम भागों में हमने देखा है याकूब मर जाते हैं, उसके बाद में यूसुफ भी मर जाते हैं। यूसुफ के भाई और उनके सारे घराना वहीं पर थे, लेकिन जब निर्गमन में पहुंच जाते हैं उत्पत्ति की किताब और निर्गमन के बीच में लगभग 400 वर्ष की अंतर है। चार शतकों में क्या क्या हुआ है, चार शतकों में राजसिंहासन के पर कौन आए थे, कौन गए थे, किसी को खबर नहीं है। लेकिन चार शतकों के बाद में जिस प्रकार के इतिहास को हम देखते हैं उस इतिहास में राजसिंहासन के पर एक ऐसा राजा आकर बैठ गए हैं जो यूसुफ को नहीं जानते थे। अर्थात इससे पूर्व जितने भी राजा आए थे यूसुफ को जाना करते थे और मिस्र देश के ऊपर यूसुफ ने जो भलाई की थी उस भलाई के बदले में उनके सारे घराने के साथ में अच्छे तौर से बर्ताव किया करते थे। लेकिन जो फिरौन यूसुफ को नहीं जानता था वह राजसिंहासन के ऊपर बैठ चुका है। अजब इसराइलियों को देखा है कि वे सब लोग संख्या में तो बढ़ चुके हैं, सामर्थ्य में भी बढ़ चुके हैं, और इसे देखने के बाद फिरौन अत्यंत भयभीत हो गया और उनके साथ में मिस्र भी भयभीत हो गए हैं। और इसलिए उन्होंने सोचा है हम बुद्धिमानी के साथ में इनके साथ बर्ताव करेंगे, अगर ऐसा ना करें तो कहीं ऐसा हो जाए कि वे और भी आगे बढ़ते जाए, उनकी संख्या बढ़ती चली जाए, और यदि कभी संग्राम का अर्थात युद्ध का समय ऐसा माहौल पैदा होता है हमारे भाइयों के साथ में मिलकर वे हमारे विरोध में लड़ेंगे और हमारे देश से निकल जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं इन्हें हमारे देश में ही बंदी बनाकर रखे, गुलाम बनाकर रखे, इनके साथ में कठोरता के साथ में व्यवहार किया जाए ताकि वे अगर संख्या में बढ़ भी गए हैं तो अपने सामर्थ्य में बढ़े ना, उन्हें ऐसा कोई मौका ना दे कि वह संग्राम के लिए या फिर कोई सोच के लिए इकट्ठे हो जाए और जिसके कारण से हमारे विरोध में बगावत करें। आइए हम इसलिए उन्हें कठिन परिश्रम के साथ में सुबह से लेकर रात तक उन्हें व्यस्त रखेंगे ताकि वे कभी इस प्रकार से कोई योजना ना बना पाए, कोई सोच भी ना रख पाए। इसलिए फिरौन ने उनके ऊपर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया है ताकि उनके ऊपर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसिस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। वैसे हम जब इसराइलियों को देखते हैं याकूब अपने संतान अपने घराने को लेकर कनान देश जो मिस्र देश में आए थे वे सब चरवाहे थे, लेकिन उनका पेशा बदलता हुआ, उनका काम बदलता हुआ और उनकी जीवन शैली बदलता हुआ हम देखते हैं जिस प्रकार से कनान देश से आए थे मिस्र देश में गोशे नाम एक जगह पर वे स्वतंत्र होकर अपनी आजादी के साथ में, और सबसे बढ़कर यूसुफ की यहाँ से उनके लिए जो अन्न और अनाज का प्रावधान किया जाता था उत्तम से उत्तम भंडारों के साथ में तृप्त किया जाते थे। लेकिन चार शतकों की इनकी इतिहास जब बदल जाते हैं आज इनके पेशा को बदलता हुआ देखते हैं। वे ईंटों को बनाते हैं, गारों को बनाते हैं और वे खेती के भांति भांति के काम और कठिन सेवा किया करते हैं। इनके हाथों से बनाया हुआ दो नगर हैं जिनका नाम है पीतोम और रामसिस। इन्होंने बनाया हुआ ये दोनों नगर इस प्रकार से हैं कि फिरौन अपने भंडारों के रूप में उन्हें उपयोग किया करते हैं, भंडार के रूप में अर्थात अनाज को रखने के लिए, धान को रखने के लिए, ताकि जिस तरह से यूसुफ उस अकाल के समय में धान को इकट्ठा किया करते थे, अनाज को इकट्ठा करके उन्हें बचाए रखते थे, उसी प्रकार से फिरौन भी करना चाहते हैं। उसके बाद में इसराइलियों के जीवन को गारें, ईंट और खेती के बांधी बांधी के काम और कठिन सेवा करवाते हुए उन्हें दुख भरा हुआ काम देकर उन्हें परेशान करने वाला, उन्हें सताने वाला, उन्हें दर्द और पीड़ा से भरा हुआ काम दिया करते थे। उसके बाद उनके साथ बड़ी कठोरता के साथ में व्यवहार किया करते थे। निर्गमन के पहले अध्याय की इन बातों को आज हम इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमें यहाँ पर परेशान होता हुआ, पीड़ा में पड़ा हुआ, दर्द में पड़ा हुआ इसराइलियों को नहीं, वरन इसराइलियों को इस नजर से अगर देखेंगे कि परमेश्वर की ओर से आशीषित हुआ, फलते हुए संख्या में बढ़ते हुए, सामर्थ्य में बढ़ते हुए, और जिनके साथ में परमेश्वर अपनी उपस्थिति और वाचा को बांधे रखे हैं, जिनकी संख्या लगभग देखा जाए तो 20 लाख के ऊपर है, परमेश्वर के इतने बड़े बरकतों को प्राप्त किया हुआ एक बड़ी प्रजा के रूप में हम इसे देखते हैं। लेकिन अक्सर इस प्रजा को जब देखते हैं सतावट में, गुलामी में, पीड़ा में पड़ा हुआ देखते हैं। इनकी गुलामी का कारण क्या था? अगर उनको आशीष ना मिले होती, अगर वे बलवान नहीं होते, अगर वे सामर्थ्य नहीं होते, अगर वे फूलते नहीं और फलते नहीं, अगर इनकी संख्या नहीं बढ़ती, अगर आशीर्वाद इनके पर नहीं उतराते, तो भला इनके साथ में कोई इस प्रकार से व्यवहार क्यों करेंगे? इनकी गिनती को देखकर, इनकी सामर्थ्य को देखकर भला क्यों डरेंगे? फिरौन और मिस्रियों को डर उस समय लगा है जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ को इसराइलियों के ऊपर देखा है और परमेश्वर की बरकतें और आशीर्वाद उनके ऊपर देखा है।
खुदावंत अपने संतानों को कहीं पर भी अधूरे नहीं छोड़ते हैं, अकेले नहीं छोड़ते हैं। इन बातों का अध्ययन हम कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यानांश को हम परमेश्वर की बरकतों के साथ में, उनके आशीर्वादों के साथ में, उनके सामर्थ्य के साथ में, उनकी कृपा और उनकी दया को प्राप्त किया हुआ 70 लोग किस प्रकार से 20 लाख लोगों में बन जाते हैं। सिर्फ 400 साल की अवधि में ये सब कुछ संभव होता है, और इसे संभव होने का एकमात्र कारण है जीवित परमेश्वर, आशीर्वादों का स्रोत, महान और महिमा से भरा हुआ करुणामय और दयालु परमेश्वर की स्वर्गीय बरकतें उनके हाथ हैं। हम दुआ करते हैं आपके विषय में भी परमेश्वर इसी प्रकार की आशीर्वाद आपके जीवन में भी लेकर आए। आई मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसराइलियों को अधिकांश वृद्धि देकर उन्हें बहुतायत से फलाकर फुलाकर उन्हें हर जगह पर अपने विस्तृत किया है। सारे मिस्र में वे फैल चुके हैं। इतने सारी बरकतें, इतने सारी आशीर्वाद, इतने सारी सामर्थ्य, इतनी सारी क्षमता आपने जो उनके हाथों में दी है, जिसे देखकर सब लोगों के मन में खौफ पैदा हो चुका है। ऐसे अद्भुत काम करने वाले, ऐसे आशीर्वादों से भरने वाले, ऐसे चमत्कारी कार्य करने वाले अनुग्रहकारी, दयालु और हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्रिया करते हैं, आपकी दुहाई देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी गौरव और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद और आभार के साथ आपके सानिध्य में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप इतने बड़े चमत्कारी कार्य करते हैं, और इन घटनाओं के माध्यम से आज हमारे विश्वास को जगाए हैं। इन वचन के माध्यम से फिर से एक बार परमेश्वर हमारे सोए हुए प्रभु जी सारे ख्वाबों को, स्वप्नों को, अरमानों को फिर से आपने सचेत किया है, जागृत किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर अगर अत्याचार होते हैं, हमारे पर जुल्म होते हैं, हमें सताते हैं, कोई परेशान करते हैं, हमसे कोई ईर्ष्या रखते हैं, कोई हमें घृणा करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो परमेश्वर हमें इस प्रकार से प्रभु सकारात्मक दृष्टि प्रदान करें। ये सब का कारण केवल आपकी महिमा में स्पर्श है और आपकी बरकत और आशीर्वाद है, जिन्हें देखकर लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं, जलन से भर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आप अपने संतानों को यहाँ पर भी छोड़ते नहीं हैं, आप हम तक चलाते हैं, साथ देते हैं। इस बात की विश्वास हम सबों के मनों में एक और बार जगाते हुए आगे के समय हमारा भविष्य आप ही की दृष्टि में, जो सुनहरे रूप से प्रभु आपने संभाल कर रखी हैं, समर्पण करते हैं। खुदा, अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी तो कल फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने के लिए, हम सबको जीवित और तंदुरुस्त संभालने के लिए दुआ करते हैं। खुदा, अगर हमारे मिलने से पहले आपके पुत्र के आगमन बादलों के ऊपर संभव होगी तो हमें स्वर्ग राज में शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक बात को आपने सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की बरकतें आपके ऊपर इतनी बहुतायत से उतराएं, आप फूले फले और आप हर एक जगह पर फैलते जाएं। आपकी बरकतों को, आशीर्वादों को देखने वाले भले आज आपके साथ में ईर्ष्या घृणा करते होंगे, लेकिन हम दुआ करते हैं आपके विषय में परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति प्रदान करें, अपनी कृपा में इस प्रकार से चलाएं कि परमेश्वर जिस प्रकार से मिस्र में से निकाला हुआ इसराइलियों को बरकतें दी हैं, आशीर्वाद दी हैं, वैसे परमेश्वर आपको भी आशीर्वाद दें। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यानांश कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। God bless you.